हेलो दोस्तों, आप अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम एक कैसे हम अपने एक सर्किट को या एक जो एक नेटवर्क हमारे पास है उसमें हम अगर किसी में बात करूँ, मुझे किसी एलिमेंट के थ्रू कोई पावर निकालनी है या मुझे किसी एलिमेंट के थ्रू मुझे वोल्टेज या करंट निकालना है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके थ्रू क्या करंट आ रहा है, क्या वोल्टेज आ रही है। ठीक है जी, तो हमने इससे पहले हमने पढ़े थे जितने हमारे पास किरचॉफ लॉस थे, हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, वो सब जो फंडामेंटल टॉपिक्स थे हमने उसको सारे कवर किए। तो उन्हीं को यूज़ करके हमारे पास दो पावरफुल टूल्स हमारे पास मिलते हैं, दो पावरफुल टेक्निक्स हमारे पास मिलती है, जो कि है मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। ठीक है जी, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनको यूज़ करके हम कैसे अपने एक सर्किट को या एक नेटवर्क को एनालाइज करते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेश एनालिसिस की, सॉरी नोडल एनालिसिस की। ठीक है जी, तो नोडल एनालिसिस क्या करता है, ये हमारे पास किसी सर्किट की नोड्स पे बात करते हैं वहां से। ठीक है, हम जो मैं कोई भी हमारे पास सर्किट है, जैसे सपोज कि मेरे पास ये एक सर्किट है। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पे एक कोई वोल्टेज है, ये मेरे पास एक सर्किट है। ठीक है जी, तो ये कोई यहाँ पे हम इसकी कोई नोड्स की हम बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से कोई इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, जब हम नोड वोल्टेज को लेकर हम शुरुआत करते हैं, तो अब बात करते हैं कि हम यहीं से क्यों लेते हैं, हम एलिमेंट का वोल्टेज क्यों नहीं देते। हम इसलिए नहीं देते ताकि हम हमारे जो इक्वेशंस हम बनाते हैं, जो हम जिसके थ्रू हम अपने किसी वोल्टेज करंट जो वोल्टेज निकालते हैं, वो नोड वोल्टेज के थ्रू बहुत ही कन्वीनियंट रहता है और बहुत ही आसानी से हम इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं कि इसको हम एक कोई भी नेटवर्क है, हम उसको किस तरह से नोडल एनालिसिस को यूज करके उसको सॉल्व करते हैं, उसके स्टेप्स को देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं। ये अब बात करते हैं कि एक नोडल एनालिसिस को यूज करके हम कैसे अपने एक सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है। ठीक है जी, तो इस पे हम एक स्टेप्स देखते हैं कि हम इसको अगर सॉल्व करना तो कैसे हम अपने नोडल एनालिसिस को यूज करेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है कि अगर मैं बात करता हूँ अपने नोड की, कि नोड क्या होती है, क्योंकि हम नोडल एनालिसिस यूज करें तो वहां पे टर्म आती है नोड। तो नोड क्या होती है, अब नोड एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है वेयर टू और मोर ब्रांचेस आर कनेक्टेड। ठीक है जी, जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हो, यहां पे आपको तीन नोड्स में दिखेगी, एक नोड ये है। ठीक है जी, एक नोड ये है और एक नोड ये, क्योंकि इन तीनों पे तीन दो या से ज्यादा ब्रांचेस आपस में जोड़ दिए। तो इसको मैं नोड जीरो बोलूंगा, इसको मैं नोड वन, इसको नोड टू बोलूंगा। ठीक है जी, तो मैंने इसको नोड्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब उसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमें एक नोड कोई भी नोड को एक ऐसा रेफरेंस नोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा, अगर तू क्वेश्चन में दिया है कि मैंने इसको या इसको या इसको रेफरेंस नोड मानना है, तो आपको वही रेफरेंस नोड मांगने के चलना पड़ेगा, उसके बाद वहां से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तो नहीं माना तो अपनी मर्जी से कोई भी अपना एक रेफरेंस नोड मान लो, जैसे कि मैं नोड जीरो को रेफरेंस नोड मान लो। ठीक है जी, वहां पे इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे अपने वोल्टेजेस को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसके रिस्पेक्ट में मेरे पास ये मेरे पास वी वन है और इसके रिस्पेक्ट में मेरे पास ये नोड वी टू है। ठीक है जी, तो मेरे पास वी वन और वी टू आ गया। उसके बाद मेरे पास सेकेंड स्टेप क्या कहता है, मुझे हर एक नोड पर केसीएल अप्लाई करूँ। ठीक है जी, मैं मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो मेरी केसीएल है मुझे वहां अप्लाई करना पड़ेगा, किस पर, एन माइनस वन नॉन रेफरेंस नोड पे। इसका नाम तो हो गया, अब मुझे इस पे और इस पे केसीएल अप्लाई करने पड़ेगा। केसीएल क्या होता था कि नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है जी, तो इस पे मेरे पास पहले क्या आ रहा है, यहाँ से मेरे पास दो करंट सोर्स है, तो यहाँ आई वन से मेरे पास आई वन से मेरे पे यहाँ पे क्या आ रहा है, आई वन जो कि यहाँ जा रहा है। ठीक है जी,
और यहां से मेरे पास जा रहा है आई टू, और यहां से भी जा रहा है मेरे पास आई टू, और नीचे से जा रहा है मेरे पास आई थ्री। ठीक है जी, तो मेरे पास ये हो गया, दो नोड्स में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे पास कौन से करंट जा रहे हैं। उसके बाद मुझे उन नोड्स पर ओम्स लॉ अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या करता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है जी, इसके ओम्स लॉ को यूज करने के बाद हम अपने ब्रांच करंट निकालेंगे। ठीक है, ब्रांच करंट कैसे, I इक्वल टू इसी को यूज करें, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V बाय आर इसको यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ उसके बाद हम अपना वोल्टेजेस निकाल लेंगे, कोई जो मतलब कि सॉल्व करेंगे, कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड है, क्रैमर्स रूल है, कोई भी आपको मेथड जो इजी लगता है आप उसको यूज करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस पे मैंने अपनी ये टर्म्स बना लिया, मैंने साइन कर लिया अपने करंट को, साइन कर लिया मैंने वोल्टेज को, साइन कर लिया। ठीक है जी, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि अगर मुझे इक्वेशंस निकालनी है तो मेरे पास क्या क्या इक्वेशंस आएगी। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपना आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास कौन से नोड्स है, मेरे पास वोल्टेज कौन से है, करंट कौन से है। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल के हिसाब से अब मुझे इन दो नोड्स पे मुझे अपने केसीएल लगाना पड़ेगा, नॉन रेफरेंस नोड्स पे। तो नोड वन पर, नोड वन की बात करते हैं, यानी इस पे बात करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आई वन, ठीक है, तो वो क्या कहता है, मेरे पास आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू। ठीक है जी, ये मेरे पास इक्वेशन वन बन गई। ठीक है जी, आई वन है तो इसके इक्वल टू क्या होगा, आई टू होगा। ठीक है, ये इनकमिंग करंट है, यहाँ से लिए बाकी सारे आउटगोइंग करंट है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है आउटगोइंग कौन से, आई वन आई टू और कैपिटल आई टू, तो ये हो गया। बात करते हैं नोड टू पर। ठीक है, नोड टू पे बात करते हैं, तो नोड टू पे देखो यहाँ पे तो मेरे पास इनकमिंग करंट कौन सी है, कैपिटल आई टू, स्मॉल आई टू और आउटगोइंग आई थ्री। तो I2 प्लस स्मॉल I2 इक्वल टू आई थ्री, तो मेरे पास ये आ गया। मेरे पास मैंने KCL अप्लाई करके मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से मैं अपना ब्रांच करंट निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद अब मुझे अप्लाई करना है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ मैं पहले यहाँ पे V1 और V2 पे अप्लाई करूंगा, तो जो मेरे पास I1 आएगा, I1 आएगा मेरे पास, वो क्या आएगा, V1 माइनस जीरो रेफरेंस नोड से डिवाइडेड बाय आर वन। तो वी वन माइनस जीरो अपॉन आर वन। अब बात करता हूं आई टू की यहां से। ठीक है, आई टू मेरे यहां पे है, तो आई टू मेरा किसके बीच में है, वी वन माइनस वी टू अपॉन आर वन, आर टू सॉरी, वी वन माइनस वी टू अपॉन आर टू। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इक्वेशन थ्री आ गई, ये इक्वेशन फोर आ गई, लास्ट बची I3। तो I3 मेरे पास क्या आएगा, यहां से है तो V2 माइनस जीरो अपॉन आर थ्री, V2 माइनस जीरो अपॉन आर थ्री, सॉरी ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर पांच। ठीक है जी, तो अब आप मेरे पास ऐसी इक्वेशंस मेरे पास बन चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई वैल्यूज होती, ठीक है, अगर मैं इसको कोई वैल्यू असाइन कर दूं तो उसको यूज, उसके बाद आप उन इनकी वैल्यूज यहाँ डाल के इनको सॉल्व कर लो, हमारे पास यहाँ पे इसकी यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद आप जो मर्जी इस क्वेश्चन में पूछा गया है आप वो निकाल सकते हो, जैसे किसी एलिमेंट के थ्रू, जैसे आर वन के थ्रू पावर क्या अब्जॉर्ब हो रही है, क्या डिलीवर हो रही है, क्या वोल्टेजेस आ रही है, आप उसको बता सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो था कि हम एक इक्वेशन कैसे बनाए नोडल एनालिसिस को यूज करके, उसके जो स्टेप्स को यूज करके। ठीक है जी, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है, अब मुझे इस सर्किट में बोला गया है कि मुझे इसको इसके अंदर नोड वोल्टेजेस प्लस ब्रांच करंट निकालना। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करते हैं, सबसे पहले नोड को एनालाइज करते हैं, नोड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे पास कितने नोड्स हैं। तो मेरे पास यहाँ पे तीन नोड्स हैं, एक ये और ये। ठीक है जी,
तो यहाँ पे मैं एक ये भी है, लेकिन मैं इसको पूरे को एक नोड मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक रेफरेंस नोड को मान लेता हूँ, ठीक है जी। तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे एक वोल्टेज असाइन करनी पड़ेगी, वोल्टेज असाइन होगी। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे इसकी इक्वेशंस बना देता हूँ, मुझे इसकी इक्वेशंस बनानी, केसीएल, आप केसीएल लगा के भी कर सकते हो, कि केसीएल में सबसे पहले आप अपना एक ये लगा लो, केसीएल लगा के मेरे पास इक्वेशंस बना लो, इनकमिंग करंट कुल आउटगोइंग करंट। तो V1 पे मेरे पास इनकमिंग करंट 5 है, आउटगोइंग आपके पास I10 + I3 हो गया, और आउटगोइंग करंट में यहाँ पे नोड 2 में इनकमिंग I3 है, I3 हो गया, उसके बाद I5 + I1, ठीक है जी, मेरे पास दो इक्वेशन बन, ओके जी। तो अब क्या होगा, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है जी। मैं जब इधर के जाऊंगा तो I10 + I3 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया, और इसको 0 = I5 + I1 - I3 हो गया, ठीक है जी। तो मेरे पास ये आ गया। तो अब मैं ओम्स लॉ लगा के, ओम्स लॉ लगा के मैं इनके ऊपर अपनी करंट, अपना करंट निकाल लेता हूँ, वोल्टेज, वो लोड वोल्टेज इक्वेशन बनाता हूँ। तो V1 पे मेरे पास क्या बनता है, यहाँ पे V1 पे मेरे पास जो I10 का है, तो I10 = V1 - 0 / 10 I3 V1 - V2 / 3 I5। I5 पे क्या है, V2 - 0 / 5। I1 पे क्या आएगा मेरे पास, V2 - 10 / 1, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन को मैं इक्वेशन 5 लाता, अब इनको मैं इक्वेशन 3 और 4 में डाल के, तो मेरे पास बन जाएगा V1 by 10 + V1 + V1 - V2 by 5 3 = 5 इक्वेशन 6। उसके बाद मेरे पास I5 है V2 by 5 + V1 है V2 - 10 by 1 माइनस माइनस आपका V1 by V2 by 3 = 0, ठीक है जी। अब इन इक्वेशन से मैं V1 को अलग और V2 को अलग कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मेरे पास V1 की आ जाएगी, जिसको मैं मैट्रिक्स में फॉर्म में लिख दूँ, इनको अगर मैं को V1 कॉमन में ले लूँ, तो 1 by 10 + 1 by 3 + सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -V2 1 by 3 = 5, इक्वेशन 8, ठीक है जी। तो अब सेकेंड इक्वेशन से V1 मेरे पास आ जाएगा -1 by 3 + V2 1 by 5 - आपका 10 10 नहीं यहाँ 10 नहीं आएगा, आ जाएगा आपका -1 by 3, ठीक है जी, और +1 आ जाएगा, ठीक है। इसका आएगा -10 - -10 = 0। तो मैं 10 अगर उधर ले जाऊं तो =10 होके इक्वेशन 9 को बना दो। यहाँ दो इक्वेशंस आ गई। अब आपने करना है कुछ नहीं है, आपने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाना है, वहां पे मोड पे जाओगे तो वहां पे इक्वेशंस मोड पे चले जाना, ठीक है। तो वहां पे आपके पास AX + BY = C की इक्वेशन वाली मिल जाएगी, तो उसमें इन इन सब वैल्यूज को डाल देगा। तो जैसे ही डालोगे तो आपके पास यहाँ पे V1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 19.87 वोल्ट, ठीक है, और V2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10.843 वोल्ट, ठीक है जी। तो ये तो मेरे पास नोड वोल्टेज आ गया, ठीक है जी। अब इन्हीं को यूज करके मैं अपनी ब्रांच करंट भी निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास I10 क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे I10 आ जाएगा मेरे पास 1.987 एम्पियर। I3 मेरे पास आ जाएगा 3.0 1 2 एम्पियर, ठीक है जी, ये आ गया। अब I5 है जो मेरे पास, वो आता है I5 मेरे पास 2.168 एम्पियर, और I1 मेरे पास आता है आपका 1.08 एम्पियर,
थ्री एम्पियर, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसकी ब्रांच करंट ये आ गया और नोड वोल्टेज मेरे पास ये आ चुकी है, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आएगा हमने कैसे इसको सॉल्व किया। यहां से आगे आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो ठीक है, नहीं तो अपने प्ले स्टोर पे जाके वहां से कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा के आप इसको वहां पे जाके यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है यूज सॉल्व करना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अगर नेक्स्ट चलते हैं, ये तो चलो ठीक है हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अगर मेरे पास सिंपल इक्वेशन होती क्या होता, अगर मेरे पास यहाँ पे कहीं पे बीच में यहाँ पे एक और नोड लगा के सपोज मेरे पास यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स होता, ठीक है, ऐसे मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स होता, ठीक है, ये एक नोड बन गई, तो मेरे पास क्या होता है यहाँ पे एक मेरे पास आ जाता, तब मैं क्या करता, तो इसको कहते हैं हम सुपर नोड। तो सुपर नोड का कंसेप्ट हम अब समझते हैं कि सुपर नोड होता क्या है, तो चलिए सुपर नोड के ऊपर चलते हैं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने एक कोई भी एक अगर हमारे पास सर्किट गिवन है तो उसमें हम कैसे अपना नोडल एनालिसिस लगा के उसको हम कर सकते हैं। तो अगर सपोज मेरे पास कोई इस तरह का कोई नेटवर्क है और मेरे पास किसी दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ गया, तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, किस हिसाब से मैं इसको इसकी इक्वेशंस बनेगी, किस हिसाब से मैं इसको आगे अपना कर पाऊंगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि होता करते इसको कैसे करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि हमने सबसे पहले एक रेफरेंस नोड करना है। तो मेरा मैं इसको ये सारे यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस नोड इसको बना देता हूँ, ठीक है, ये मेरी पूरी एक रेफरेंस नोड बन गई। और उसके बाद मैंने नॉन रेफरेंस नोड को वोल्टेज प्रोवाइड करने थे, तो ये मेरा ये वाला V1 V2 V3, ठीक है जी, तीन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना था, हमने KCL लगाना था हर उसके ऊपर, तो मैं KCL ही यहाँ पे लगाता हूँ, तो नो यहाँ पे V1 के नोड पे, तो मैं KCL क्या बनेगा, I इक्वल टू V1 बाय R1, ठीक है, प्लस V1 माइनस V2 बाय R, ठीक है जी, ये मेरी इक्वेशन बन गई। उसके बाद यहाँ पे मेरी इक्वेशन नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे मैं एक वोल्टेज सोर्स है, तो मेरे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरे को ये मेरा इस तरह से मेरे पास आ जाता, तो मैं इसको मैं सुपर नोड कह सकता हूँ क्योंकि मेरे दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। अगर तो करंट सोर्स होता तो कोई चक्कर नहीं था, लेकिन अब मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, तो और हमने निकालना भी नोड वोल्टेज है नोडल एनालिसिस को यूज करके, इसलिए मैं इसको एक ही नोड बना देता हूँ। और फिर आगे मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, यहाँ पर मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी V2 माइनस V1 बाय R2 प्लस V2 बाय R3 प्लस V3 माइनस V by R4 प्लस V3 by R5 इक्वल टू जीरो। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो, एक इक्वेशन मेरी और आएगी जो कि मेरी इस सुपर नोड की इक्वेशन होगी, जो कि होगी V2 माइनस V3 इक्वल टू Vx, ठीक है जी। तो इस तरह से मैं अपने सुपर नोड को एक्सक्लूड करके दो थोड़े देर के लिए हटा के कि मैं इसको एक ही नोड मान के अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये तो था कि सुपर नोड को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कि सुपर नोड में होती क्या है कि दो वोल्ट नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसको सुपर नोड बोल देते हैं, वहां से हम दो नोड्स को एक्सक्लूड करके अपनी वैसे सेम इक्वेशंस बना के सेम अपना जैसे हमने अपने पहले देखा था पहले टॉपिक में कि कैसे हमें पहले KCL लगाना है, फिर ओम्स लॉ लगाना है, रेफरेंस नोड को बनाना है, सब कुछ करके अपनी इक्वेशंस निकाल ली, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जो भी आपको मेथड इजी लगे, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन लगे, चाहे क्रैमर्स रूल लगे, चाहे इंस्पेक्शन मेथड लगे, कोई जो सा मेथड आपने यूज करना है यूज करते हैं कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये तो था सुपर नोड के बारे में। अब इसी के बेस हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन को समझ में आ जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास,
अब हमने सुपर नोड को कंसेप्ट को समझना है। सुपर नोड को हमने थोड़ा सा देखा था कि उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, होता क्या है। सुपर नोड होता क्या था कि अगर दो नोड्स के बीच में एक हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स आता है, तो उस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास सर्किट है जिसमें हमारे पास दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। अब क्वेश्चन क्या है कि मैंने मेरे पास जो ये करंट सोर्स है इसके ऊपर मैंने मुझे क्या पावर डिलीवर्ड हो रही है मुझे वो बताना। तो सबसे पहले पहला स्टेप हम ये करते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक रेफरेंस नोड बना, तो रेफरेंस नोड में इसको कोई भी मान सकता हूँ, तो लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ क्योंकि इसमें सारी ब्रांचेस यहाँ पे अगर जोड़ दें तो मैं इसको एक सिंगल नोड मान लो। तो यहाँ पे मेरे पास एक रेफरेंस नोड बन गया। उसके बाद अपने मैंने अपने नॉन रेफरेंस नोड को बताना है, तो एक ये है वी वन, एक ये है वी टू और एक ये है वी थ्री। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब मैं एक कंबाइंड इक्वेशन से बना रहा हूँ नोड वन और टू पर। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक सुपर नोड की टेक्निक आ चुकी है, सुपर नोड में बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि मैं वोल्टेज सोर्स बीच में, तो मैं यहाँ पे इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन बना सकता हूँ। तो ये कैसे इक्वेशन बनेगी, तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। तो ये यहाँ पे देख लो, तो यहाँ से नीचे जाना हमने से पहले, क्योंकि रेफरेंस नोड में नीचे है। तो यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास करंट सोर्स है, तो टू प्लस यहाँ पे V1 माइनस V3 बाय 3 प्लस ये यहाँ पे इसको बाईपास कर दिया। ठीक है जी, फिर यहाँ पे V2 माइनस V3 बाय 1। यहाँ देखूंगा तो ये 5 वाला है, लेकिन हम जहाँ नीचे थे नीचे डायरेक्शन ऊपर है, तो माइनस 5 प्लस यहाँ से है V2 माइनस 0 बाय 5 इक्वल टू। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, सबसे पहली इक्वेशन। ठीक है जी, उसके बाद हमारी एक और इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। ठीक है जी, क्यों यहाँ पे, हम यहाँ पे क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारा सुपर नोड बन चुका था, तो इसलिए इन दोनों की मैंने कंबाइंड इक्वेशन मैंने यहाँ बना। अब मेरी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से बन जाएगी V3 से क्या बनेगी, V3 माइनस V1 बाय 3 प्लस V3 माइनस 0 बाय 2 प्लस V3 माइनस V2 बाय 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। थर्ड इक्वेशन कौन सी बनेगी, यहाँ से बन जाएगी, एक सुपर नोड की इक्वेशन भी बनेगी, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू 10। ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन मेरी ये बन गई। ठीक है, सॉरी V1 माइनस V2 इक्वल टू 10। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन से मेरी जो बन के आएगी, अगर मैं इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर दूं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी, अगर मैं सिर्फ V1 को निकाल लूँ तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगी 1/3, फिर आगे जाएंगे कोई नहीं आएगी, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस V2 से क्या बनेगा 1/1 प्लस 1/5 प्लस V3 का बनेगा माइनस का 1/3 प्लस सॉरी यहाँ का यहाँ पे आएगा -1। ठीक है जी, इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ से हमें माइनस का 3 बनेगा उधर जाके प्लस 3 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 4, एक आपकी आ गई V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 सॉरी इक्वल टू 10 है ये इक्वेशन नंबर, इसको छोड़ दो ऐसी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से V1 लगा लो, तो V1 क्या आएगा 1/3, यहाँ से भी 1/3 आ जाएगा प्लस V2 क्या आएगा माइनस का 1 प्लस उसके बाद V3 आ जाएगा, V3 क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 प्लस का 1/2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 ये आ गई हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इन तीन इक्वेशन को 3, 4 और 5 इनको एज इट इज उठा के अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करिए, और उसके अंदर आप जाके मोड में जाके वहाँ पे आपको 3 डिजिट वाला आपको 4 डिजिट वाला अपन इक्वेशन मिलेगी, जिसपे आपको ANX प्लस BNY
प्लस सी एन जेड इक्वल टू डी एन, इस वाली आपको इक्वेशन मिल जाएगी। मोड में जाके उसको सेलेक्ट करिए और इन सब नंबर्स को उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा, मैं देता हूँ वी वन, मेरे पास जो आंसर है वो है 16.709 वोल्ट, वी टू इक्वल टू 3.709 एंड वी थ्री है मेरे पास 4.516 वोल्ट। ठीक है जी, ये तो मेरे पास होगी नोड वोल्टेज। अब हमने निकालना है इसके ऊपर मैंने पावर निकाली, तो पावर कहाँ से निकालूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो पावर आएगी, मेरे पास जो पावर आएगी आपके पास, वो अब क्या होती है वी टू इंटू 5 एम्पीयर। तो वी टू मेरे पास आ चुका है, ये रहा, तो मेरे पास पावर जो आएगी वो आएगी 3.709 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी पावर आ चुकी है 18.545 वॉट। ठीक है जी, तो ये आपके पास के ऊपर पावर डिलीवर आ चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये आज का टॉपिक। ठीक है जी, तो ये तो था नोड एनालिसिस के बारे में। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो है मेश एनालिसिस। ठीक है जी, तो अभी हमने नोडल पर किए थे, तो अब बात करते हैं अपने सेकंड टेक्निक से, जो कि बहुत पावरफुल टूल है नोडल के साथ साथ ही, वो है मेश एनालिसिस। अब मेश एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक लूप क्या कहता है। अगर मैं लूप की बात करूँ, क्योंकि मेश को हम लूप एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो लूप क्या होता है, तो लूप एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है जिसमें कोई भी नोड एक से ज्यादा पास नहीं हो सकता। अगर कोई लूप है तो उसमें जो नोड आएंगे उसके रास्ते में, तो वो एक ही बार आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और अगर मैश की बात करूं, तो मैश एक ऐसा लूप है जो कोई भी लूप कंटेन नहीं करता। उसमें अगर एक लूप आ गया तो उसके बाद उसके रास्ते का कोई और लूप नहीं आएगा। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास एक सर्किट है, ऐसे मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, इस हिसाब से मेरे पास एक सर्किट है, जैसे यहाँ पे कोई एक वोल्ट सोर्स से लो, यहाँ पे एक ले लो, तो मेरे पास ये ए बी सी डी ई है। ठीक है जी, तो मेरे पास ये एक मैश है, ये एक मैश है। ठीक है जी, ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए और बी सी डी ई बी, ये दोनों मेरे लूप्स हैं। ठीक है जी, ये दोनों मेरे लूप्स हो गए, और ये दोनों मेरे मैश है। ठीक है, ये दोनों मेरे मैश है, क्योंकि इसमें जो लूप है वो एक ही बार आ चुका है। ठीक है, देखो जो ये बी ई है, ये उस लूप में एक ही बार आ चुका है। और अगर मैं पूरे लूप की बात करूँ, तो ए बी सी डी ई एफ ए, तो उसमें ये एक लूप बन चुका है, ये पूरा एक लूप है। ठीक है जी, तो ये पूरा एक लूप बन गया, और इसमें कुछ जो भी नोड्स है, जैसे बी है, सी है, डी ई ई एफ है, ये एक एक बार ही आ चुका है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है जी, तो ये होता है हमारे पास लूप और मैश। और जो मैश एनालिसिस है वो सिर्फ प्लानर सर्किट पे। प्लानर सर्किट क्या होता है, वो सर्किट जो अगर जैसे मेरे पास ये सर्किट है, इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ, तो ये मेरे पास इस वे में आना चाहिए, और इसकी मतलब कि कोई अगर ब्रांच, इसके साथ ये ब्रांच क्रॉस हो रही है, यहाँ पे ये ब्रांच क्रॉस हो रही है, ये ब्रांच क्रॉस हो रही है, ये ब्रांच क्रॉस हो रही है, और अगर मैं इसको खोलूँ, इसको मैं खोल दूँ इस वे में, तो यहाँ देखते कोई ब्रांच क्रॉस नहीं हो रही, तो मतलब कि वो ये मेरा सर्किट प्लानर सर्किट है। तो इसमें मैं मैश लगा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे ये मैश हो गया, ये मैश हो गया, ये मैश हो गया, ये मैश हो गया, ये मैश हो गया। लेकिन अगर मैं उसको मैं खोलूं और अगर और खोलूं और मेरे कोई ना कोई ब्रांच है वो मेरी आपस में इस तरह से क्रॉस हो रही है, तो वो मेरा नॉन प्लानर सर्किट है, और उस पर मैं अपना मैश एनालिसिस नहीं लगा सकता। ठीक है जी, क्योंकि उसमें आपका मैश बनेगा ही नहीं, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ और गड़बड़ होगी होगी, तो ये मैश सिर्फ और सिर्फ
प्लैनर सर्किट पे ही एप्लीकेबल है। सेकेंड थिंग, इसमें हम मैश करंट की बात करते हैं, ठीक है जी। इसमें जो करंट फ्लो होता है उसकी हम बात करते हैं, उसके ऊपर हम इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। नोडल में क्या था, नोड करंट की बात, नोड वोल्टेज की बात करते थे हम, उसमें नोड्स पे वोल्टेज निकालते थे, यहाँ पे हम मैश की बात करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, वहां पे हम KCL यूज करते थे, यहाँ पे हम KVL यूज करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर वो मैश में से निकालने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये मैश होता है क्या है, मैश एनालिसिस होता है क्या है। अब इसका देखते हैं हम एक सर्किट, सॉरी स्टेप्स क्या है, अगर हमने कोई पास कोई सर्किट गिवन है तो हमने क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स ले रखते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं अपने मैश एनालिसिस के स्टेप्स, देखते हैं कि अगर कोई सर्किट हमारे पास गिवन है तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज मेरे पास ये एक सर्किट गिवन है, ठीक है जी। मेरे पास यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है, तीन रेजिस्टर्स है और सब करंट इस वे में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले क्या करते हैं, मैश करंट को असाइन करते हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखे लिखा I1, I2, I3 लिखा है कि मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्लो कर रहा है इस, सपोज इस डायरेक्शन में मेरा फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये नोड आ गया तो यहाँ से दो करंट डिवाइड हो गए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने हर एक उसके अंदर KVL लगाना है और साथ ही ओम्स लॉ लगा के उसको वहाँ पे इक्वेशन बना दी थी इन टर्म्स ऑफ मैश करंट में, ठीक है जी। अब होगा क्या, जैसे मेरे पास ये I1 I2 है, ठीक है। अब मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क किया, मैंने जूम किया कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप करोगे इसको क्लॉकवाइज ही, क्या आप बता इसको एंटी क्लॉकवाइज करना चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। बट बाय डिफॉल्ट हम क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। अगर आप चाहो कि इसको मैं ऐसे ना के ऐसे के बजाय मैं ऐसे करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं मुझे इस तरह से कन्वीनियंट लगता है तो मैं इस हिसाब से कर सकता हूँ, वो आपके कन्वीनियंट के ऊपर है। उसके बाद जब इक्वेशंस बन जाएंगे इसके बाद तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो वैसे ही जैसे आप नोडल को में सॉल्व करते हो, सब्स्टिट्यूशन का मेथड, इंस्पेक्शन, जो भी आपको पसंद है मेथड आता है, जो भी पसंद है आप उसको में इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए जब सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, इसने मेरे पास इस तरह से डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मैं इस सबसे पहले इस मैश को देखूंगा, ठीक है। अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ, ये मेरे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है जी। तो ए बी सी एफ, ठीक है, ए बी पाथ, सबसे पहले पाथ बताते हैं, ए बी ई एफ ए, ठीक है जी, ई एफ ए। तो इसके अंदर मेरे पास पहली इक्वेशन क्या आएगी मैश की, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ मेरे पास क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में मेरा यहाँ से जा रहा है, तो मेरा ये जो V है पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे है, तो माइनस V1 प्लस यहाँ से जाके यहाँ जा रहा है, तो ये R1 I1, ठीक है जी, R1 I1 प्लस अब यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जो है तो B और E के बीच में R3 है और यहाँ पे मेरे इस नोड पे दो करंट में डिवाइड हो रहा है, तो R3 I2 माइनस I3 इक्वल टू मेरे पास आ गया जीरो, ठीक है जी, I3 माइनस I2, क्योंकि हमने नीचे जा रहे हैं, इधर जाते हैं तो I2 पहले आता है, हम नीचे जा रहे हैं तो I3 पहले है, उसके बाद मेरा I2, ठीक है जी। ये मेरे पास होगी पहली इक्वेशन। अब मेरे पास दूसरा पाथ लेते हैं, पाथ BCDFD, ठीक है जी। अब यहाँ से मेरे पास पहले यहाँ जा रहा है, तो R2 I2 उसके बाद ये है, तो प्लस V2, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यहाँ पे था कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ से जाके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस R3। अब ये पहले आएगा कि हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो I2 माइनस I3 आ जाएगा इक्वल टू, तो मेरे पास ये दो इसकी ये दो इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है, जो भी इनकी वैल्यूज होगी, आप जो आपको मेथड पसंद आएगा, जो आपको इजी लगता है, साइमल्टेनियस मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, कार्नर मेथड हो गया, इंस्पेक्शन मेथड हो गया, जो भी आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है, जो आपको अच्छे से आता है, आप उसको यहाँ पे इसको डाल के कर सकते हैं, आपको वैल्यूज दी होती तो आपको आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मैं जैसे नोडल में किया था,
वैसे इसका एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन भी बना, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या बोला गया है कि मुझे ये I1, I2 और I3 फाइंड करना है, मुझे ब्रांच करंट फाइंड करना है, और मैं एक क्लॉकवाइज लेके चलूंगा I1 और I2, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हम इक्वेशन, पहले पाथ बनाते हैं। तो पाथ क्या बनेगा मेरा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और I1 I2 है, तो पाथ ए बी ई एफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे -15 आ जाएगा पहला, -15 प्लस I1 5 I1 प्लस, अब यहाँ नीचे जा रहा है तो यहाँ नीचे से I1 आ रहा है, ऊपर से I1 है, नीचे से I2 जा रहा है, ये वाला हमने इसको नहीं देखना, इसको देखना है। तो 10 I1 माइनस I2 प्लस, ऊपर से जा रहे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्वेश्चन लग रही है। तो मेरे पास आ जाएगा 5 I1 प्लस 10 I1 माइनस 10 I2 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से अब हम 5 कॉमन निकाल लें तो क्या बनेगा मेरे पास, वैसे ये बन जाएगा कि ये जो चीज है ये आज के बन जाएगी 15 I1 माइनस 10 I2 इक्वल टू 5। 5 कॉमन निकाल लो, ठीक है, यहां से 5 कॉमन निकलेगा तो 3 I1 माइनस 2 I2 इक्वल टू 1, ये आ जाएगा आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है जी, पहली इक्वेशन आ गई आपकी। और अब हम दूसरे पाथ की बात करते हैं, दूसरे पाथ की बात करेंगे तो पाथ बी सी डी एफ डी ई बी, ठीक है जी। अब यहां से मेरे पास ऊपर जा रहा है तो पहले मेरे पास ये आ जाएगा -10 का प्लस, अब यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, तो हम यहां से जा रहे हैं तो 10 I2 माइनस I1, फिर इधर जाएंगे प्लस 6 I1 प्लस 6 I2 प्लस 4 I2 इक्वल टू 0। हम सॉल्व करते हैं, -10 प्लस 10 I2 माइनस 10 I1 प्लस 10 I2 इक्वल टू 0। 10 कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा 2 I1, ये आ जाएगा आपके पास I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 1, आपके पास सेकेंड आ गया, ठीक है जी। तो आपके पास ये आ गया हमारे आपके पास, ठीक है जी, आपके पास यहाँ कुछ दो इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं इक्वेशन यहाँ से देता हूँ, I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 1 और 3 I1 माइनस 3 I2 इक्वल टू 1, ठीक है जी। मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है, आज पास ये आ चुका है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आई थी, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो जैसे इसको करोगे तो मेरे पास ये कट जाएगा, ये रहेगा 2 I1 इक्वल टू 2, I1 की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर, ठीक है जी। अब इसको चाहे इस क्वेश्चन में डाल दो चाहे क्वेश्चन डाल दो, यहाँ पर डालो तो ईजी रहेगा, तो ये 1 I-1 प्लस 2 I1 I2 इक्वल टू 1, उधर चला जाएगा 2 I2 इक्वल टू 2 बन जाएगा, तो I2 की वैल्यू भी 1 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है जी। तो 1 एम्पियर आ गई, तो अब हम इसका ब्रांच करंट हम निकाल सकते हैं। ब्रांच करंट मेरा क्या होगा, यहाँ पे I1 है तो मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास I1 कैपिटल I1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा I1 ही घूम रहा है, तो मेरे पास ये भी आ जाएगा 1 एम्पियर, I2 मेरे पास आ जाएगा 1 एम्पियर, और I3 है I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 एम्पियर। तो मेरे पास इसका ब्रांच करंट मेरे पास आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जैसे हमारे पास एक सुपर नोड बनी थी नोडल एनालिसिस में, कि दो ब्रांचेस के, दो नोड्स के बीच में अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्स आ गया तो मैं उसको कैसे करता हूँ, तो मैं उसको सुपर नोड लगा सकता हूँ। सेम ऐसे ही अगर मेरा दो मैश के बीच में, यहाँ पे जैसे वोल्टेज सोर्स है, अगर यहाँ पे मैं करंट सोर्स आ जाए तो मैं क्या करूँगा, तो इसका तो वो क्या चीज़ हो सकती है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो चलिए वो देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं सुपर मैश की। तो सुपर मैश क्या होता है, जैसे पहले सुपर नोड होता था वैसे ही हमारे पास सुपर मैश भी होता है, मतलब कि अगर मेरे दो मैश के बीच में
एक करंट सोर्स आ जाए, ठीक है जी। जैसे वहां पे मेरे पास दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आता था, ठीक है। तो अब हमने करना कुछ नहीं है, जैसे वहां पे उसको हम एक एक ही नोड मान लेते हैं, तो इसको यहाँ पे भी सेम, इसको इस पूरे उसको अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे इसको हम एक ही, इसको हटा के इसको पूरे को एक ही मैश में बना दें, ठीक है। कैसे? तो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, वी वन माइनस की प्लस आर वन आई वन, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ प्लस आर थ्री आई टू प्लस आर फोर, अपनी यहाँ पे आ गई आई टू आ गई, साथ ही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, तो ये मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है जी, इक्वल टू जीरो आ जाएगी, ठीक है जी। ये इस पूरी की एक सिंगल इक्वेशन बन गई, प्लस हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी कि जो यहाँ पे हमारे पास दो नोड है, मतलब इसका जो ये चीज है, इन दोनों का जो डिफरेंस है आई वन माइनस आई टू इक्वल टू आई वन, ठीक है जी। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ऐसे मैं पूरी कंबाइंड इक्वेशन बना के मैं अपने इस मैश को, इस सर्किट को सॉल्व करता हूँ यूजिंग सुपर मैश टेक्निक से, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे इसको एक्सक्लूड किया, पहले हटा दिया, फिर मैंने कंबाइंड मैश बना दी, वहां से मैंने ये इक्वेशन बना दी, और साथ ही मैंने एक और इक्वेशन बन की मेरी यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से बन गई। उसके बाद इसको जैसे हमें सॉल्व करना है वैसा सॉल्व कीजिए, और जो भी मेथड आएगा आप उसके साथ अपना ब्रांच करंट निकाल सकते हैं, और जो भी इक्वेशन में पूछा गया है वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी दोनों में बात सेम ही है, वहाँ पे सुपर नोड थी, यहाँ पे सुपर मैश है, बस वहां से अपने दोनों को पहले एक बार हटा के उसको सिंगल नोड या सिंगल मैश में तब्दील करके अपना बना लेना, ठीक है जी। तो इसका आपको एक छोटा सा होमवर्क में देता हूँ कि अब मैं सुपर नोड पर एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए उसका आंसर क्या है आपका, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है जी, तो ये मेरे पास आ गया। अब आपने मुझे यहाँ पे इनके मैश करंट बताने, मैश करंट, ठीक है जी, यानी इसके अंदर मेरे पास तीन मैश बन गए आई वन आई टू एंड आई थ्री। तो ये आपका होमवर्क है। अब मुझे इसके आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आई वन आई टू आई थ्री आपको आपका क्या आया। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक मैश एंड नोडल एनालिसिस। और अब आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।